हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज विकास हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से हम एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जी मेल एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर पे जहां पर आपको होम ऑल कोर्सेज माई कोर्सेज डाउट का सेक्शन मिलेगा हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पी मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी पी के साथ ही साथ हम आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पी को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर sure करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटैम्प्ट कर सकें हम डेली बेसिस पे आपको पी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं नॉट जस्ट दिस अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की अर्निंग हो सके नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कॉन्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न किस तरीके का सिलेबस आता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सके इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स इंटरनेशनल अफेयर्स विजिट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड स्पोर्ट्स डिफेंस कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके सो फ्रेंड्स डू चेक आर एप्लीकेशन इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हेलो एवरी तो आज की वीडियो में उनतीस मार्च के हम काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा नोट्स जरूर बना के चलना काफी कुछ यहां पर आपको सीखने को मिलेगा चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इन्होंने अभी कितना परसेंट हाइक इंक्रीज किया इन मनरेगा वेजेस रेट फॉर फिस्कल ईयर फाइव तो फिजिकल ईयर ट्वेंटी फाइव के लिए हमें तीन से दस परसेंट का वेज हाइक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इन मनरेगा मनरेगा क्या है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यहाँ पे साल के डेली महीने डेली यहाँ पे लोगों को आपको रोजगार देने की बात की जाती है करेक्ट एंड यहाँ पर अगर हम देखें कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे जैसे फॉर एग्जांपल तीन से दस परसेंट के बीच में वेज हाइक तो हमें बता दिया दो हज़ार पच्चीस ईयर दो हज़ार पच्चीस में लेकिन ऑन ऑन एन एवरेज देखें तो सात परसेंट का हाइक रहेगा सात परसेंट में से भी अगर हम देखें हाईएस्ट हाइक के स्टेट में देखने को मिला तो वो हमें गोवा में देखने को मिला कितना टेन पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट का में, जो था each. इसी हमें साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि रेट वाइज अमाउंट वाइज कौन सी स्टेट है जहां पर हाइएस्ट हमें मनरेगा वेज देखने को मिलता है वो है हरियाणा जो है थ्री सेवन रुपीज पर डे के हिसाब से एंड लोएस्ट कहां पर देखने को मिलता है वो है अरुणाचल प्रदेश में जो है टू थर्टी फोर रुपीज पर डे के हिसाब से ठीक है तो तीन से दस परसेंट का एवरेज हाइक हमें देखने को मिला मनरेगा रेट में और यहीं पर अगर हम देखें लास्ट ईयर लास्ट फिस्कल ईयर ट्वेंटी फोर की बात करें तो दो से दस परसेंट का हमें वेज हाइक देखने को मिला था और यह है फिस्कल ईयर ट्वेंटी फाइव के लिए नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज सात परसेंट करेक्ट गोवा विटनेस द दाइस्ट हाइक ऑफ टेन पॉइंट एंड उत्तराखंड थ्री पॉइंट केरला थ्री पॉइंट सिक्स टू हैव बिलो है देखा थ्री सेवेंटी फोर रुपीज एंड अरुणाचल प्रदेश का टू थर्टी फोर रुपीज पर डे नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी ओपन किया इंडियन सब्सिडरी एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया को तो ये जो एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया है ए एस आई ये लोकेशन क्या रहेगी न्यू दिल्ली में इसको सेटअप किया गया है एंड ये जो आपकी सब्सिडरी है याद रख के चलेंगे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का काम करेगी फॉर मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए जो कि इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स तीनों फोर्सेस हमारा यूज करेंगे राइट right? तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए ओईएम का काम करेगी ये एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया की जीएक्स इंडियन सब्सिडरी है किस ऑर्गेनाइजेशन की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की और ये जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है डीआरडीओ एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया था मूविंग ऑन नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू यू नहीं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि ग्लोबली अगर हम देखें तो हम कितना फूड वेस्ट किया हमने 2022 में तो अगर हम 100 फूड प्रोड्यूस करते हैं तो 100 में से 19 फूड ऐसे था जो हमने वेस्ट किया दैट मीन्स 19% परसेंट ऑफ द फूड जो हमने प्रोड्यूस किया 2022 में वो हमने वेस्ट कर दिया करेक्ट ये रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यूएनईपी का हेड क्वार्टर नायरूबी

के जी ऑफ फूड पर पर्सन जो हमने वेस्ट किया ठीक है मार्क करके चलेंगे इसको अगर हम देखें तो काफी ऐसे लोग हैं राइट ग्लोबली अगर हम देखें ईच पर्सन वेस्टेड अबाउट सेवेंटी नाइन किलोग्राम्स ऑफ फूड टोटलिंग टू एटलीस्ट वन मिलियन मील्स वेस्टेड डेली हाउस होल्ड्स की बात करें दे कॉन्ट्रीब्यूट सिक्सटी परसेंट ऑफ द फूड वेस्टेज फॉलोड बाई ट्वेंटी एट परसेंट फ्रॉम फूड सर्विस एंड ट्वेल्व फ्रॉम रिटेलर्स सेवन एटी थ्री मिलियन पीपल क्रॉनिक हंगर से जूझ रहे हैं और यहाँ पर हम इतना फूड वेस्ट कर रहे हैं का इतने सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम का भी प्रॉपर दिन में खाना नसीब नहीं हो पाता और वहीं पे हम फूड वेस्ट कर रहे हैं फिर 150 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ फाइव सफर स्टंटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यू टू क्रॉनिक लैस ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन डाइट मतलब 150 मिलियन लोग एक मिलियन दस लाख के करीब होता है तो मतलब वन फिफ्टी मिलियन बच्चे ऐसे थे जिनको बिलो द एज ऑफ फाइव जो ऐसे हैं जो उनकी ग्रोथ में उनको स्टंट हुआ बिकॉज उनको प्रॉपर न्यूट्रिय उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं अभी आई आर डी आई के द्वारा रिटेन किया गया डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योर का स्टेटस फॉर एल आई सी फॉर जी आई सी आर ई एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी तो इन तीनों के लिए जो सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योर का स्टेटस होता है वो रिटेन किया गया ये डी ए डी एस आई आई ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट इंश्योर ये बेसिकली होता क्या है दीज इंश्योरेंस कंपनीज इनको टू बिग और टू इंपॉर्टेंट टू फेल कंसिडर किया जाता है कि अगर ये फेल होती हैं राइट और क्योंकि इंटरकनेक्टेड होती हैं तो अगर ये फेल होती हैं तो इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को पड़ेगा मार्केट में और इसीलिए आई भी कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा इनकी हेल्प की जा सके एंड इनका जो भी मॉरल हजार है जो भी सिस्टम में रिस्क आते हैं जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रिस्क होता है या जिस तरीके का भी रिस्क मैनेजमेंट हो इन इन इंश्योरेंस कंपनीज में वो ज्यादा अच्छे से होना चाहिए एंड दे आर टू बिग टू फेल करेक्ट तो इनका स्टेटस अभी रिटेन किया गया आई आर के द्वारा नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है आर इन्होंने मॉडिफाई किया नॉर्म्स फॉर लैंडर्स इनटू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड तो आरबीआई इन्होंने इश्यू किया डायरेक्टिव टू अड्रेस द रेगुलेटरी कंसर्न जो कि रिलेटेड है टू द इन्वेस्टमेंट बाय रेगुलेटेड एंटिटीज इन ई एंड यहीं पे देखें अकॉर्डिंग टू द न्यू डायरेक्टिव्स जो डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है रेगुलेटेड एंटिटीज की दे शुड एक्सक्लूड द एक्टी शेयर शेयर हो गए जो कि आप ये डायरेक्ट कंपनी के शेयर बाय कर लेते हैं राइट ऑफ द डेप्टर कंपनी बट दे कैन इंक्लूड अदर इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोविजनिंग शुड बी रिक्वायर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिलेटेड एंटिटी इन्वेस्टमेंट इन द एआईएफ स्कीम विच विल बी इन्वेस्टेड बाई ए आई एफ इन डेप्टर कंपनी एंड नॉट द एंटायर इन्वेस्टमेंट इन दई एफ स्कीम नेक्स्ट एक चीज और याद रखेंगे अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला तो दो ऑर्गेनाइजेशन को को मिला इनोवेटिव पेमेंट्स एंड कंसर्टो सॉफ्टवेयर इन दोनों को भी रिसेंटली आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया यहां पर आप देख सकते हैं इनोवेटिव पेमेंट्स एंड कंसर्टो सॉफ्टवेयर इनको आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला नेक्स्ट आ जाते हैं अभी इंडिया के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया था इन द मंथ ऑफ जैन 2024 इसी साल ये अमाउंट ये था बेसिकली पंद्रह करोड़ रुपये यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए फॉर भूटान्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड भूटान में भी गलसेंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे ये अमाउंट ये एम साइन किया गया था जो पहला ट्रांच था उसमें हम 500 करोड़ रुपए दे चुके हैं ऑलरेडी और अभी रिसेंटली सेकेंड ट्रांच ऑफ 500 करोड़ रुपीज वाज रिलीज्ड टू भूटान फॉर ग्यालसंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट राइट टोटल अमाउंट पंद्रह सौ करोड़ रुपए का हम अभी तक कितना दे चुके हैं हजार करोड़ रुपए दे चुके हैं फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि है ग्यालसंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये जो ग्यालफंग ग्यालसंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है राइट right? याद रखेंगे ये भूटान के किंग के द्वारा उनके नेशनल भूटान डे जो कि सत्रह दिसंबर को आता है सेवनटीन्थ ऑफ दिसंबर 19 टू थाउजेंड नाइनटीन में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था एंड इसी के कंस्ट्रक्शन के लिए यहां पर ये अमाउंट रिलीज किया जा रहा है ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर मॉर्गन स्टेनली मॉर्गन स्टेनली ने अभी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको एस्टिमेट किया उसको इंक्रीज कर दिया पहले ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया ग्रो करेगा 6.5 परसेंट से इन फिस्कल ईयर 25 लेकिन अब इस प्रोजेक्शन को बढ़ा के कितना कर दिया है 6.8 परसेंट कर दिया है राइट माक करेंगे सिक्स बढ़ा दिया है फ्रॉम सिक्स मॉर्गन स्टेनली के द्वारा फॉर फिस्कल ईयर ट्वेंटी अगर मैं देखूँ फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ़ फिजिकल ईयर ट्वेंटी फोर इंडिया expect, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय सेवन पॉइंट नाइन परसेंट ये जनवरी से लेके मार्च का जो भी डाटा आएगा उसमें हमें पता लगेगा ठीक है और यहीं पे अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो फोर पॉइंट फाइव से फाइव पॉइंट टू परसेंट के बीच में यहाँ पे इंडिया में जो इन्फ्लेशन डाटा है इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट आ जाता है फिर आप यहां पे देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड टू मॉडरेट टू 4.5 फोर पॉइंट फाइव परसेंट विद कर ऑफ द जीडीपी मूविंग ऑन हु हैज बीन इन एज द जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल लोकपाल क्या होता है लोकपाल याद रखेंगे ये एक एंटी करप्शन बॉडी है एंटी करप्शन बॉडी एंड ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंटी करप्शन बॉडी है इंडिया की करेक्ट एंड इस लोकपाल में एक चेयरपर्सन होता है

तो कमल किशोर को यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली मार्क करके चलेंगे आप इनको यहां पे देख सकते हैं ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के इन यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये किन को सक्सीड करेंगे ये सक्सीड करेंगे मामी मिजुतोरी मामी मिजुतोरी ये जापान के हैं एंड ये जनवरी 2018 से इस पोजीशन पे है एंड इनको सक्सीड करेंगे कौन इंडिया के कमल किशोर जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गटर्स के द्वारा अपॉइंट किए गए कमल किशोर एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल या फिर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइट नेशन सिक्योरिटी जनरल फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो कि यूनाइटेड नेशन ऑफिसर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यू एन डी 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 आर आर हेड कहाँ पर है इसका जिनेवा में ठीक है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा मूविंग ऑन नेक्स्ट आ जाते हैं अभी एस बी आई म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंट स्टेक एक्वायर किया इन सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज तो टेक्नोलॉजीआई म्यूचुअल फंड ने पर 3 का स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया इन सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज राइट वाया ब्लॉक टेल एंड यहां पे एस बी आई म्यूचुअल फंड ने शेयर्स बॉट किए एट अ प्राइस ऑफ फोर हंड्रेड रुपीज फोर हंड्रेड एट रुपीज पर शेयर करेक्ट एंड इससे पहले याद रखेंगे जो एस बी आई म्यूचुअल फंड है एंड एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड हैज सेवन पॉइंट फोर परसेंट स्टेक अपार्ट फ्रॉम एस बी आई मतलब एस बी आई म्यूचुअल फंड के अलावा एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड दे हैव अ स्टेक ऑफ सेवन पॉइंट फोर परसेंट इन सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज एंड ये जो सविता ऑयल है ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड एक मैनुफेक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है ग्रीस का इंडस्ट्रियल ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स का नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं यून हाई थ्री जीरो टू ये एक सैटेलाइट है जो कि एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने का काम करती है ये यून हाई थ्री जीरो टू सेटेलाइट किस कंट्री की सेटेलाइट रहेगी ये चाइना की सेटेलाइट है एंड उस रॉकेट का नाम बताओ जिस रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में लॉन्च किया गया तो वो है लॉन्ग मार्च राइट right? ये लॉन्ग के रॉकेट कैरियर है मॉनिटर है, है करने के लिए एंड ये लॉन्ग मार्च सीरीज की फाइव हंड्रेड एंड फोर्टीन मिशन लॉन्च था राइट right? जो कि अभी लॉन्च किया गया इन्होंने लॉन्च की कौन सी सैटेलाइट यून हाई थ्री जीरो टू सेटेलाइट नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं स्टार बर्स्ट एक्सेलेटर इन्होंने भी पार्टनर किया किस आईआईटी के साथ यान एक एम साइन किया ताकि एक हंड्रेड बिलियन यूरो का स्टार्टअप हब सेटअप किया जा सके राइट और इन्होंने किसके साथ किया आईआईटी मद्रास जो कि तमिलनाडु बेस्ड आईआईटी मद्रास है राइट इनके साथ ये आईआईटी ये एमओयू साइन किया ताकि जो ये स्टार्टअप हब होगा और यहाँ पे कंपनी कैसे कैसे स्टार्टअप्स आएंगे जैसे आपके डिफेंस से रिलेटेड राइट आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके जो नए अगर हम देखें इनोवेशन की जाएगी यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाएगी ताकि नई टेक्नोलॉजीज को हम इनकॉर्पोरेट कर सकें करेक्ट तो स्टार बर्स्ट एक्सेलरेटर ने आईआईटी मद्रास के साथ ये एमओयू साइन किया फॉर हंड्रेड बिलियन यूरो स्टार्टअप हब नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका साहित्य अकेडमी अवार्डी डॉक्टर गुरुलिंगा काफ से रिसेंटली पास आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं 24 मार्च 26 मार्च 2024 में इनका निधन हो गया कर्नाटका में एंड 1928 में इनका जन्म हुआ था इन विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका नेक्स्ट आ जाते हैं साइकोलॉजिस्ट डेनियल केहिमैन ये भी एक नॉर्बल लॉरेट है एंड नॉर्बल लॉरेट इन इकोनॉमिक साइंसेज जिनका रिसेंटली निधन हो गया नेक्स्ट आ जाते हैं अभी एक बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये बुक बताती है अबाउट द फैमिलीज एंड बेसिकली जो आपकी फैमिलीज होती हैं सुपर फैमिलीज होती हैं बटरफ्लाइज की एंड मॉथ्स की तो इनके बारे में इस बुक में लिखा गया है राइट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया बुक का नाम रहेगा एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू द लेपिडोपेट्रा ऑफ इंडिया आई रिपीट एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू द लेपिडोपेट्रा ऑफ इंडिया इस बुक में बटरफ्लाइज एंड मोत्स की फैमिलीज एंड सुपर फैमिलीज के बारे में उनके करेक्टर्स के बारे में उनके जो मेन करेक्टर्स हैं इंडिया में जो ये बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स की स्पीशीज मिलती हैं उस करेक्टर्स के बारे में यहाँ पे इस बुक में लिखा गया है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिविजन पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नोटिफाई किया तीन से दस परसेंट का हाइक इन मनरेगा वेज रेट फॉर फिजिकल इजार बाइस और दो हजार पच्चीस एंड हाइएस्ट रेट कहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला गोवा में देन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अपनी एक इंडियन सब्सिडरी खोली है न्यू डेली में जो कि है एरोस्पेस सर्विस इंडिया की एंड ये मीडियम रेंज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की ओई एम का ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर का काम करेगी राइट फॉर द सप्लाई ऑफ दिस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फॉर इंडियन आर्मी इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स देन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबली एक डाटा रिलीज किया एक रिपोर्ट रिलीज की इन्होंने बताया कि ग्लोबली अराउंड नाइनटीन परसेंट ऑफ द फूड जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो वेस्ट हुआ दो हज़ार बाईस में देन आई आर डी आई ने रिटेन किया डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योर का स्टेटस फॉर एल आई सी जी आई सी एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी देन आरबीआई ने मॉडिफाई किया नॉम्स फॉर लैंडर्स हैविंग एक्सपोजर्स इन टू आल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इंडिया ने रिलीज किया सेकेंड ब्रांच ऑफ फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज टू भूटान फॉर ग्यालसंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देन मॉर्गन स्टैनली इन्होंने रेज किया इंडिया का जी डी पी ग्रोथ एस्टीट टू सिक्स पॉइंट सिक्स एट परसेंट फॉर फिस्कल ईयर ट्वेंटी फाइव ऋतु राज अवस्थी इन्हों को स्वन इन किया गया एज द जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल इंडिया के कमल किशोर को अपॉइंट किया गया एस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन देन एसबीआई म्यूचुअल फंड ने किया थ्री परसेंट टेक इन सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया यून थ्री जीरो टू सेटेलाइट को टू तो मॉनिटर एटमोस्फेरिक एंड स्पेस एनवायरमेंट स्टार बस्ट एक्सेलरेटर इन्होंने आई मद्रास के साथ एक एमओयू साइन किया ताकि एक हंड्रेड मिलियन यूरो का स्टार्टअप हब स्टार्टअप्लिश किया जा सके साहित्य अकेडमी अवार्डेडाप से इनका निधन हो गया साइकोलॉजिस्ट डेनियल जो कि एक नॉबल लॉरिट है इन इकोनॉमिक साइंस इनका निधन हो गया एंड जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक बुक पब्लिश की गई एंड इलस्ट्रेटेड गाइड टू दैपिडो पैटर ऑफ इंडिया ये फैमिलीज एंड सुपर फैमिलीज के बारे में बताती है ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स तो दोस्तों ये था हमारा सेशन आज का वीडियो पसंद आई हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को फ्रेंड्स जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना मुझे आपके क्या व्यूज हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पे एंड लेट मी नो अबाउट योर व्यू कैसा लगा आपको ये सेशन क्या चेंजेस आप चाहते हैं पसंद आ रहा है तो इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पुराने कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पर आपके रिवाइज हो जाते हैं एंड वो लर्निंग में बहुत हेल्प करेंगे नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई अबाउट यूथ एम्प्लॉयमेंट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन्होंने बोला कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो बढ़ गया है कितना करेक्ट तो सबसे पहले याद रखेंगे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की यूथ रिलीज की रिपोर्ट uh, रिलीज की गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई आईएचडी क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनके द्वारा मिलकर रिलीज की गई आने इन्होंने बताया कि अगर हंड्रेड एम्प्लॉयमेंट है तो हंड्रेड मैसेज एटी थ्री जो है वो यूथ आते हैं तो एटी थ्री एम्प्लॉयमेंट हमें यूथ की देखने को मिलती है मतलब एटी थ्री परसेंट यूथ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट तो अगर सो लोग अनएम्प्लॉयड है तो उसमें से एटी थ्री लोग यूथ हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया वो है वी अनंता नागेश्वर ठीक है इन्होंने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है राइट right, एंड जो अंडर un एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है 2000 से लेके 2019 तक बट डिक्लाइन ड्यूरिंग कोविड 19 इन्होंने ये भी बताया कि जो रिपोर्ट प्रोजेक्टेड द यूथ पॉपुलेशन विच अकाउंट्स फॉर 27 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन दो हजार ये घट के छब्बीस रह जाएगी इन दो Moving on, next आ जाता है कि अभी किस ने इंट्रोड्यूस किया एक पर है गांधीनगर गांधीनगर में, गांधी नगर, में, गुजरात ठीक है एंड यहाँ पे एनआरआई कस्टमर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट ओपन करने की बात की जाती है राइट right? कौन सा बैंक प्रोवाइड कर रहा है ये फैसिलिटी एक्सिस बैंक प्रोवाइड कर रहा है सात दिनों से लेके दस साल तक आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं राइट एंड आपका यहाँ पे पार्शियल क्लोजर भी हो जाएगा फुल मैच्योर भी हो जाएगा तब भी आप निकाल सकते हैं पार्शियल क्लोजर पे भी निकाल सकते हैं एंड ये एनआरआईस के लिए नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए फैसिलिटी है एक्सिस बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं वो है अमिताभ चौधरी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र 1993 में इस्टेब्लिश किया गया और टैगलाइन रहेगा इसकी बढ़ती का नाम जिंदगी नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ने अभी साइन किया पैक्ट विद जैपनीज एजेंसी फॉर टू हंड्रेड मिलियन डॉलर लोन तो एनटीपीसी ने अभी जेबीआईसी के साथ जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपोरेशन इन दोनों के द्वारा भी एक टाइप हुआ जहां पर हम देखेंगे 200 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड कराएगा आज ये 200 मिलियन डॉलर अगर देखें तो 1650 करोड़ के करीब हो जाते हैं इसमें से जो 60 परसेंट है वो तो प्रोवाइड कराएगा जे और जो रेस्ट 40 परसेंट है वो भी जे के एसोसिएटेड जो लैंडिंग आर्म्स होते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा विद द बैंक गारंटी बाय जे बी आई लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे गुरदीप सिंह हेडक्वार्टर न्यू डेली में 1975 में इसको स्टेबलिश करा गया नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली बिकेम द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो यूनियन ऑफ कॉमोरोस एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टेमोर लेस्टली ये वो दो कंट्रीज हैं जो अभी डब्ल्यू टी ओ की मेम्बर बनी एंड डब्ल्यू टी ओ की थर्टीन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी धाबी में उसके दौरान यहाँ पर यह डिसीजन लिया गया इनको डब्ल्यू टी ओ का मेंबर बनाने का नेक्स्ट किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली टॉप किया फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो ये फोर्थ एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का करेक्ट किसने टॉप किया यहाँ पर विद सेवनटी वन मेडल्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो वो रहेगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से सेवनटी वन मेडल्स थे जिसमें थर्टी टू गोल्ड थर्टी टू गोल्ड मेडल थे अट्ठारह सिल्वर मेडल थे एंड इक्कीस ब्रॉन्ज मेडल थे फिर इसी में मैस्कॉट याद रखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट क्या है अष्टा लक्ष्मी अष्टा लक्ष्मी यहां पर मैस्कॉट रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज रिसेंटली सेट अ रिकॉर्ड ऑफ बेस्ट इंडियन टाइम इन 100 मीटर गर्ल्स फ्री स्टाइल स्विमिंग एट इलेवेंथ एशियन ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन फिलिपींस तो बेस्ट इंडियन टाइम जिनका इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया हंड्रेड मीटर्स हंड्रेड मीटर गर्ल्स फ्री स्टाइल स्विमिंग में ड्यूरिंग द इलेवेंथ एशियन ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप और ये कहां पे हुई फिलीपींस में हुई थी लोकेशन याद रखेंगे कौन है ये क्या नाम रहेगा इनका धीनिधि दि नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस ब्रांड फाइनेंस के द्वारा भी एक इंश्योरेंस हंड्रेड रिपोर्ट रिलीज की गई 2024 की जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड की जो स्ट्रॉगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है वो कौन सा है तो वर्ल्ड का स्ट्रांगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड आ जाता है एल जो कि इंडिया का लेट मी शो यू है राइट एल टॉप पर विद अ ब्रांड वैल्यू यू इन मिलियंस एटी एट देन कैथी लाइफ इंश्योरेंस सेकेंड पोजिशन पे एटी थर्ड पे एनआरएम इंश्योरेंस फोर्थ पे पीजेड ग्रुप एंड फिफ्थ पे चाइना लाइफ नेक्स्ट आ जाते हैं हम बात कर रहे हैं एफ वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स की राइट टॉप पे कौन रहा वो है फरारी के विनर फरारी ड्राइवर कार्लो सेंस जूनियर ये स्पेन से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने यहाँ पे टॉप किया सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं चार्ल्स लेस्लर ये भी आपके फरारी के लिए ड्राइव करते हैं ये सेकंड पोजीशन पे रहे और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं आपके लैंडो नॉरेस लैंडो नॉरिस और ये िन के लिए ड्राइव करते हैं ठीक है तो टॉप किसने किया है जीते कौन वो है कार्लोस कार्लोसेंस जूनियर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव रिसेंटली साइंड एन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर इंजिन फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन तो कौन है वो कौन सी कंपनियां रहेंगी मिश्रा धातु निगम लिमिटेड बी लिमिटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो ये वो तीन ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने रिसेंटली एम के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यहाँ पे एम साइन किया ताकि एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स फॉर इंजन को यहाँ पे डेवलप किया जा सके करेक्ट नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया तो लेपर्ड्स की बात की गई मिनिस्टर हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंडस्ट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया है इन मार्च यहाँ पे लेपर्ड पॉपुलेशन की बात की गई इंडिया में कि 2018 से लेके 2022 तक कितना चेंज हमें देखने को मिला है लेपर्ड पॉपुलेशन में तो 8 परसेंट का यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिला है लेपर्ड पॉपुलेशन में 2018 में बारह थे और ये बढ़कर कितना हो गया तेरह तो आठ परसेंट का चेंज हमें देखने को मिला फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्टेट में हमें सबसे ज्यादा स्नो लेपर्स किस सबसे ज्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो है मध्य प्रदेश 3907 लेपर्ड्स नेक्स्ट मार्टिन ब्रायन मुलरोनी हु सर्वड एज द 18th प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री रिसेंटली पास्ट अवे तो मार्टिन ब्रायन मुलरोनी ये 18th प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के जिनका रिसेंटली निधन हो गया मूविंग ऑन सिडबी सिडबी ने सिक्योर किया पहला ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मच तो सिडबी ने पहला ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया वर्थ 120 मिलियन डॉलर ये जो प्रोजेक्ट फंड रहेगा ये क्या है आवाना सस्टेनेबिलिटी फंड आवाना सस्टेनेबिलिटी फंड ये 120 मिलियन डॉलर का फंड रहेगा एंड जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड जो अमाउंट यहाँ से गैदर किया जाएगा वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर यूज़ किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करने के लिए यूज किया जाएगा जो प्रोजेक्ट्स आपके ग्रीन एनर्जी पे वर्क करते हैं उसको यूज़ किया जाएगा जो अर्ली एम हैं जो छोटे एम हैं उनको ट्रांजेशन कराने की बात की जाएगी कि आप रिन्यूबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ कीजिए इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए पॉल्यूशन क्रिएट मत कीजिए उसके ऊपर ये पैसा यहां पर लगाया जाएगा सिडबी की अगर मैं बात करूं राइट सिडबी के कौन रहेंगे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं सुब्रमण्यम रमन हेडक्वार्टर लखनऊ 1990 में इसको स्टेब्लिश करा गया था करेक्ट और ये सिडबी के द्वारा अप्रूव किया गया है नेक्स्ट आ जाते हैं विच बिकेम दाइंटी सेवंथ कंट्री टू रेटिफाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में रहेगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे अजय माथुर 2015 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ये इनिशिएटिव था इंडिया एंड फ्रांस का इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बेसिक एम क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराना वहां पर सोलर पैनल लगा के एनर्जी प्रोवाइड कराना क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वहां पर नहीं है तो कैसे ना कैसे एनर्जी पहुंचाने का तरीका क्या है क्योंकि हमारे पास सोलर एनर्जी अम्बंडस में है तो उन एरियाज में सोलर एनर्जी पहुंचाई जा सके तो पनामा वो नाइन्टी कंट्री बनी जिन्होंने अप्लाई किया रेटिफाई किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को माल्टा हंड्रेड कंट्री बन गई थी जिन्होंने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को नेक्स्ट उस आईआईटी का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट के साथ जिन्होंने भी किया ताकि दस गीगा बाइट ऑफ इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड की जा सके यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स राइट ऑप्टिकल नेटवर्क की मदद से तो वो कौन सा आई रहेगा वो है आई आई राइट सी डॉट के साथ मिलकर दस जी बी पी पर सेकेंड की इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कराने की बात की गई यूजिंग ऑप्टिकल नेटवर्क नेक्स्ट इन विथ सिटी ओडिशा इन विद सिटी ऑफ ओडिशा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट ओडिशा। तो ओडिशा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है जो कि कहां पर है ओडिशा स्टेट में राइट एंड ये ओडिसर बेसिकली प्रोजेक्ट क्या रहेगा ये आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है यहां पे जो यंग ग्रेजुएट्स रहेंगे ओडिशा स्टेट के उनको फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने की बात करता है नेक्स्ट नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई किसान उपज निधि जो कि एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है डब्ल्यू का वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का तो ये जो ई किसान उपज है इस स्कीम के अंदर बेसिकली क्या है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है सबसे पहले तो याद रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया इसको ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा एंड इसका मेन एम क्या है कि जब फार्मर्स अपने ग्रोथ को अपने प्रोड्यूस को इन वेयरहाउसेज में ऑफ डब्ल्यू ए स्टोर करेंगे तो उसके बेसिस पर उनको जो लोन मिलेगा वो काफ़ी इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पे उनको यहाँ पे लोन मिलेगा राइट उनकी फाइनेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एज अ कोलेट्रल फ्री लोन उनको यहाँ पे मिल जाएगा अगर वो अपने प्रोड्यूस को इन हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के वेयरहाउसेज में स्टोर करेंगे राइट तो ये है आपका ई किसान उपज निधि नेक्स्ट किस डिपार्टमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड चक्षु फैसिलिटी ऑन द संचार साथी पोर्टल टू कर्ब साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कॉम्युनिकेशन नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द टेंथ एडिशन ऑफ वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट जो कि 2024 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस वीमेन बिजनेस एंड लॉ के टेंथ एडिशन की रिपोर्ट में जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई तो हंड्रेड एंड थर्टींथ यहाँ पे इसकी इंडिया की रैंक रहेगी आउट ऑफ 190 कंट्रीज एंड याद रखेंगे ये दसवें एडिशन है आपका वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट का जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है ये इंडेक्स बताता है कि इंडिया में वीमेन सिर्फ 60 परसेंट अपने लीगल राइट्स इंजॉय करती हैं जो कि अगर मैन को हंड्रेड राइट्स मिलते हैं तो वीमेन को जस्ट सिक्सटी मिल रहे हैं फिर आ जाते हैं हु इनग्रेटेड नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी इन मोहाली मोहाली कहाँ पर है मोहाली किस स्टेट में आ जाता है तो पंजाब में आ जाता है मोहाली में भी कहाँ पर नाबी में ना भी क्या है आपका नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली पंजाब में है यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी लॉन्च की गई आन ये लॉन्च की गई है ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है उसके लिए लॉन्च किया गया यह आपकी जो स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी है यहाँ पर हम देखेंगे कि फार्मर्स की जो ग्रोथ है उसमें क्वालिटी तो बढ़ क्वान्टिटी तो बढ़ी रही है बल्कि साथ साथ क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है एंड जो ये स्पीड फैसिलिटी है इसमें हम देखेंगे आपके फूड सचेज़ वीट राइस सोयाबीन पी टोमेटो इसको ग्रो करने में कंट्रोल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड इसी के साथ साथ जो ये स्पीड सीड फैसिलिटी हैं ये हम देखें स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगी इन द स्टेट सचैस पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो जितेंद्र सिंह के द्वारा यह नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी लॉन्च की गई मोहाली पंजाब में कहा पर नाबी में और नाबी क्या है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नेक्स्ट है विच केम टुगेदर एंड प्लेस्ट 600 मिलियन डॉलर टू कॉम्बैक्ट सर्विकल कैंसर सर्विकल कैंसर को खिलाफ जंग छेड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड यूनिसेफ ये तीनों ने प्लेज किया कि हम 600 मिलियन डॉलर यहां पे देंगे टू फाइट सर्विकल कैंसर अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की यह आने तीन साल में आने वाले तीन साल में 400 मिलियन देंगे बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने बोला हम 180 मिलियन डॉलर देंगे एंड यूनिसेफ 10 से 20 मिलियन डॉलर यहां तक प्लेज करेगा नेक्स्ट विच मूवी हैज वन सेवन अवार्ड्स एट नाइनटी सिक्स अकेडमी अवार्ड तो ये रहेगी ओपन हाइमर राइट एंड एंड आई हैव बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड ये क्या थी काफी फेमस लाइन थी ओपन हेम की ये मूवी किस पर बेस्ड है जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था उसके ऊपर बेस्ड है राइट ये जो नाइनटी सिक्स अकेडमी अवार्ड थे ये कहा हुए थे लॉस एंजलिस में हुए थे कैलिफोर्निया में यूएसए में एंड ओपन आइमर का याद रखेंगे डायरेक्टर कौन रहेंगे क्रिस्टोफर नॉलन बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था यहाँ पे सिलियन मर्फी को इसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला था रॉबर्ट डाउडनी जूनियर के लिए राइट right? एंड ये थ्री अवार्ड्स हैं ऑफ टोटल सेवन अवार्ड जो ओपन आइमर ने बैक किए गोवा हैदराबाद लिबरेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है कब डेजिग्नेट किया गया हैदराबाद लिबरेशन डे तो 17 सितंबर को डिज़ाइन किया, डेजिग्नेट किया गया एज द हैदराबाद लिबरेशन डे इस दिन हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था करेक्ट मार्क्स द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इनटू इंडियन यूनियन इंडिया में इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था करेक्ट और निजाम से आज़ादी पाने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था और हैदराबाद फिर 1948 में जब इंडिया का पार्ट बन गया था उसका नाम क्या था उस ऑपरेशन का ऑपरेशन ठीक है नेक्स्ट तो हैदराबाद लिबरेशन डे सत्रह सितंबर को नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने 200 करोड़ रुपए की अभी एक डील साइन की किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाने के लिए क्यों बनाने हैं क्योंकि मान लो कल को किसी आ, होस्टाइल ड्रोन आ जाता है हमारे एरिया में जहां हम चाहते हैं वहां ड्रोन नहीं होना चाहिए राइट तो उसको टेक डाउन करने के लिए ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जाएगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बिग बैन बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड ये बिग बैंग बूम तो याद रखेंगे ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस स्टार्टअप रहेगा जिसके साथ ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है राइट ये क्या है बिग बैंग बूम सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड राइट डिफेंस स्टार्टअप दो सौ करोड़ रुपए का यह कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड एंटीड्रोन सिस्टम इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा फॉर सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी पर्पेस के लिए नेक्स्ट किस कंपनी ने रिसेंटली अक्वायर किया थर्टीन पॉइंट जीरो वन परसेंट ऑफ पैरा माउट ग्लोबल स्टेक इन वाइकॉम एटीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी सिक्स करोड़ रुपीज तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहाँ पे थर्टीन पॉइंट स्टेक बाय करा और अब जो टोटल स्टेक हो गया है इनका चार हजार दो सौ छियासी करोड़ रुपए के लिए इन्होंने ये बाय किया किया नेक्स्ट किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च पांचवा एंड छठा शिप ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट फॉर इंडियन नेवी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल और ये जो पांचवा है इसका नाम रखा गया अग्रह एंड जो सिक्स्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट इसका नाम रखा गया अक्षय पूछा जा रहा है किस कंपनी के द्वारा जी आर एस ई गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है कोलकाता वेस्ट बंगाल जहां पे इनको लॉन्च किया गया पांचवें छठी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट को नेक्स्ट वेन वॉज द नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया विद द थीम ऑफ वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल सो वैक्सीस वर्क फॉर ऑल ये थीम रहेगी नेशनल वैक्सीन डे की कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया तो हमने नेशनल वैक्सीन डे ऑब्जर्व किया ऑन सिक्सटीन ऑफ मार्च नेक्स्ट किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ ताकि एक नौ सौ नौ हज़ार करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रानीपैत डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जा सके करेक्ट तो किस कंपनी ने ये साइन किया तो रहेगी टाटा मोटर्स ने यहाँ पे अभी 9000 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने की बात की गई रानीपत डिस्ट्रिक्ट में एंड यहां से 5000 से भी ज्यादा जॉब जनरेट करने की बात की गई नेक्स्ट इन मार्च आईसीआईसीआई लॉमबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भी एक्वायर किया हाउ मच पर्सन स्टेक इन कोटे महिंद्रा बैंक फॉर टू करोड़ रुपीज तो पॉइंट स्टेक यहाँ पे बाय किया गया नेक्स्ट आ जाते हैं विद स्टेट होस्टेड इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस फायर पावर एंड ट्रायल एक्सरसाइज भारत शक्ति इन मार्च 2024 ये जो हम भारत शक्ति एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है मतलब इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी तीनों का यहां पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है इस एक्सरसाइज में तो राइट ऑप्शन कहां पर यह राजस्थान पोखरान एरिया ऑफ राजस्थान में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है नेक्स्ट अभी यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनके द्वारा लॉन्च किया गया इथेनॉल हंड्रेड इसको ई हंड्रेड के नाम से भी जानते हैं ये एक क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल रहेगा जो कि एक किनेटिव रहेगा टू गैसोलीन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट या रेगुलेटरी बॉडीज इन्होंने साइन किया एमओयू विद डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू रेवोल्यूशनाइज फेयर प्राइज शॉप्स अक्रॉस इंडिया तो किनके साथ मिलकर साइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रनोरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एंड सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एमओयू साइन किया सिडबी ने अगर आपको याद हो बिहार गवर्नमेंट के साथ भी एमओयू साइन किया था ताकि बिहार में स्टार्टअप इको सिस्टम डेवलप किया जा सके नेक्स्ट नेम द इंडियन नेवल शिप जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इन द एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस ये कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज विक्टोरिया पोर्ट पे पर हुईल्स में यह लोकेशन मार्क करके चलेंगे राइट right? तो वो है आई एन एस तीर ठीक है कटलेस एक्सरसाइज इसमें इंडिया 2019 से पार्टिसिपेट कर है एंड इसके अलावा इंडिया के अलावा 19 नेशंस ने और यहां पर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया नेक्स्ट हु वाज रिसेंटली इंडक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ एडवाइजर्स ऑफ अबुदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तो अबुदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अभी हु वॉज मेंबर तो वो है देवेंद्र कुमार ठीक है ये मेंबर बने कमेटी ऑफ एडवाइजर्स के ऑफ अबुदया को बैंक लिमिटेड नेक्स्ट इन दस पे वियर ये इंडिया का पहला कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वियरेबल लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा तो वियरेबल वेरे, है पेमेंट वेरिएबल है तो टच एंड टैप फीचर रहेगा ट्रांजेक्शन के लिए यहां पर रिंग आ जाती है आपकी राइट आपका वियरेबल आ जाता है फिर इसी में हम देखेंगे इससे पेमेंट जो आपकी बहुत इजी हो जाएगी मोबाइल स्टिकर होगा इसमें वॉच क्लैप्स होगा राइट इससे पेमेंट आप टैप एंड गो कर सकते हैं इजीली नेक्स्ट आ जाते हैं हम होमवर्क सेक्शन पर पहला इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कल ही हमने ये क्वेश्चन करा है दो ऑर्गेनाइजेशन है नेक्स्ट रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार थर्ड हु वन द एबल प्राइज एबल प्राइज को ही हम क्या बोल देते हैं नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स ये ये भी क्वेश्चन हमने परसों कराया फोर्थ ऑन वर्ल्ड कबड्डी डे एक हिस्ट्री रची गई बाई क्रिएटिंग अ गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड विद अ पार्टिसिपेशन ऑफ हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट प्लेयर्स किस कंट्री के द्वारा फिफ्थ किस आई आई टी ने अभी रिसेंटली ट्रांसफर किया पाइनरिंग स्वाइन फ्लू वैक्सीन टेक्नोलॉजी बाई टू बायोमेट प्राइवेट जो कि एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये पांच होमवर्क क्वेश्चन है राइट मैक्सिमम तो मैक्सिमम टू पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों का जो ये वीडियो देख रहे हैं दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉय द सेशन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द दूट्यूब चैनल एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम यू चैनल यू कैन गो एंड फॉलो अस एट अफेयर्स क्लाउड टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द कंटेंट और द of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 767733862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairs cloud underscore official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.